लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक और कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलिया वाला गांव जो टोहाना के अंदर पड़ता है, वहां पर जातीय हिंसा की जो सूचनाएं वो सामने आई हैं, आप जातीय हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने हिसार पहुंचे? जिस प्रकार की व्यवस्था ने प्रदेश के अंदर जन्म ले लिया है, ये पिछले आज का नहीं, ये पिछले 45 साल से इस प्रदेश के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम कैप्चर होने की वजह से शासन प्रशासन में जिन लोगों का दबदबा है वो किसी के ऊपर भी हमलावर होकर के जाति करने के बाद उसी को फंसा करके खड़ा कर देते हैं और ऐसे ऐसे आरोप गले में डाल देते हैं जो कहीं कोसों दूर भी नहीं होते। ऐसी ही घटना ये पिछले 6 माह से चल रही है। चार चार बार पिटने के बाद एक समाज के लोगों ने हाय तौबा करते हुए जब अपने किसी इंसाफ के लिए कहीं गुहार लगाई भी तो इंसाफ मिला नहीं। व्यवस्था ठीक जब तक नहीं होगी, जब तक लोग इंसाफ को बपोती बना करके रखेंगे और इंसाफ जब तक मरता रहेगा तो ये तांडव होते रहेंगे। जो लोग आज ताकतवर हैं तो जो नीचे ताकत के नीचे बौने बन गए हैं, ये आज जो लोगों का हजूम है जो हमारे साथ जुड़ा, ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो त्रस्त रहे। इसी वजह से हमने इन भाइयों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जो इनके ऊपर आरोप भी लगे, पुलिस वाले बीच बचाव आए भी, उनको भी चोटें आई, उसके बावजूद भी इनको पैरेलल केस में फंसा के खड़ा किया जिसके लिए हम लड़ाई लड़े। तो आना के बलियावाला गांव में ये घटना आखिर क्या हुई है जिससे जातीय हिंसा का नाम दिया जा रहा है? ये 6 माह से जिस प्रकार से सैनी समाज के लोगों ने वहां पर जो अपने पीछे कोई पैसे के लेन देन की बात आई या कोई लड़की के छेड़छाड़ की बात आई, जब कोई दुकानदार अपने पैसे मांगता है तो ताकतवर आदमी उसे धमका देता है और आरोप लगा देता है छेड़छाड़ के, ये ऐसी ही इसी प्रकार की घटना ये भी है। लेकिन एक जातीय घटना इस प्रकार से उन लोगों को उजाड़ने के लिए कमजोर तबके के लोगों के साथ जो हिंसा हुई और जो आज यहाँ कोमा में अपनी जीवन की जद्दोजहद आखिरी सांसों में उलझे हुए हैं, उनको वेंटिलेटर पे जो है ना सांसें दी जा रही हैं, पता नहीं वो जिंदा हैं भी या नहीं, इसका हायर अथॉरिटी के पास तो हम खुलासा करेंगे ही करेंगे। लेकिन भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हम सड़कों पर भी उतर सकते हैं और इस दादागिरी के खिलाफ हम इंसाफ पाने के लिए किसी भी हद से गुजरेंगे। हरियाणा में रेप और गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं से पूरा हरियाणा एक तरीके से सहम उठा है। जिस भी घटना के अंदर जब पानीपत एक बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उसके अमानवीय कृत्य उसके साथ हुआ, उसमें भी वही लोग हैं जो कोसली में घटना घटी, उसमें भी वही लोग हैं जो बलियावाड़े में घटना घटी, इसमें भी वही लोग हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अगर किसी को ताकतवर परमात्मा की दुआ से उन्होंने ताकत हासिल कर ली है तो कमजोर लोग भी इसी प्रदेश में रहेंगे। ये एहसास उनको होना चाहिए कि जब भी किसी को ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है तो एक बार ब्लास्ट से ऊपर सीमा निकलती है। तो आना के बलियावाला गांव में जातीय हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने का काम राजकुमार सैनी ने किया और दो टूक ये कह रहे हैं कि जो लोग ताकतवर हैं वो कमजोर को डराने और धमकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर इस तरह की कोशिशें होती हैं तो वो इस संघर्ष को के लिए आगे बढ़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।